ठेगा वेलकम टू फिजिक्स इन प्ले ग्राउंड अभी हम लोग बिहार का कट ऑफ वगैरह देखेंगे सारा कॉलेज का और मोपअप राउंड का ये लास्ट होता है तो इसके बाद तो जाना नामुमकिन ही है और बिहार से नाम लेते ही बिहार का नाम लेते ही गांव की याद आ जाती है बोलते हैं ना शहर में इंसान रहते हैं और गाँव में इंसानियत और मैं गाँव ही बोलता हूँ इसे बाकी विलेज वगैरह वो सब रहने दो और एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना था आपसे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है अगले साल कर लेंगे अगर किसी का नहीं हो रहा होगा तो और जिनका हो रहा होगा वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनना बहुत अच्छे से पढ़ाई करना मैं भी यू एस ए चाइना इकोनॉमिकल नंबर वन कंट्रीज़ है ये सारा कुछ बोलते रहता हूँ मुझे वहाँ जाना है यहाँ करना है पर अगर उतना काबिल बन गया तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जा कर के महीने का एक दिन मंथ का एक दिन सैटरडे हो या संडे हो वीकेंड से एक टाइम निकाल करके अपने डिस्ट्रिक्ट को ज़रूर सर्व करूँगा अगर उतना काबिल बनता हूँ तो और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट पैसा बहुत मिलेगा आप जितना काबिल बनोगे मिलेगा पर अपने डिस्ट्रिक्ट को कभी मत भूलना अच्छे डॉक्टर बनो और अपने डिस्ट्रिक्ट को ज़रूर से जरूर सॉल्व सर्व करना यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार में डॉक्टरों की बहुत कमी है और बहुत ज़्यादा जरूरी है अच्छे डॉक्टर के डॉक्टर तो बहुत है पर अच्छे डॉक्टर कम है चलो तो आप देखते हैं अब मेन टॉपिक पे यू जी एम सी टू थाउजेंड नाइनटीन क्लोजिंग रैंक एंड मार्क्स सबसे पहले बता देता हूँ ये जो भी है ये फर्स्ट मॉपअप राउंड का अलॉटमेंट है तो ये लास्ट है अगर नीट ऑल इंडिया रैंक आपका इसके ऊपर होगा दो तीन हजार रैंक ऊपर होगा या पाँच छः हजार रैंक ऊपर होगा तो वो बहुत अच्छा है मैं तो बोलूँ कि छः सात हजार रैंक ऊपर रहने से समझो कि आप एकदम सेफ हो ये सबसे लास्ट है कब होता है मोप अप राउंड जब फर्स्ट काउंसलिंग हो गया सेकंड काउंसलिंग हो गया तब जा करके के मॉपअप राउंड होते हैं तो मोपअप राउंड में सीट बहुत कम रह जाता है एक्चुअली होता है क्या चाहिए कि गवर्नमेंट सीट अपने अपने स्टेट में ले लेते हैं बट वो क्या करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में मिल जाता है उन्हें लास्ट में तो वो सीट छोड़ देते हैं वही छूटा हुआ सीट मिल जाता है मोप राउंड में समझ में आ गया तो कोशिश करना और मैच करवाना कि इससे पाँच छः हज़ार ऊपर रैंक हो तब आप सेफ हो अनरिजर्व्ड नीट ऑल इंडिया रैंक सेवेंटीन थाउजेंड और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मार्क्स मैटर नहीं करता है सीट के लिए मैटर करता है तो नीट ऑल इंडिया रैंक और आपका स्टेट का मेरिट लिस्ट का रैंक और कैटेगरी रैंक उसमें क्या होता है कि मार्क्स इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि ये मार्क्स फ्लक्चुएट करता है टू में फाइव हंड्रेड नीट का ऑल इंडिया रैंक सेवेंटीन थाउजेंड था और आज के डेट पे फाइव सिक्सटी एट पे मे बी ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड या थर्टी थाउजेंड के करीबन ऑल इंडिया रैंक है तो यही है बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया दस बारह हज़ार ऊपर चला गया रैंक तो इसलिए मार्क्स मत देखना रैंक देखना रैंक पे फोकस करना और सेफ पोजीशन बार बार बोल रहा हूँ पाँच छः हज़ार इससे ऊपर है तो आप सेफ हो नौ हज़ार से लेकर के आठ हज़ार के करीबन ऑल इंडिया रैंक है तो आप बिल्कुल से हो बिहार का टॉप कॉलेज आपको मिल जाएगा क्योंकि स्टेट मेरिट लिस्ट बनेगा तो वो बहुत ही कम बनेगा जैसे अनरिजर्व्ड सेवेंटीन थाउजेंड स्टेट मेरिट लिस्ट ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी फोर बना तो इसको अच्छा मिलेगा मतलब मिल जाएगा मॉपो राउंड तक मॉपअप राउंक तक अगर नौ हज़ार रहे तो और भी अच्छा स्टेट रैंक बनेगा एस टी के लिए वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी वन नीट ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ है स्टेट रैंक 44 फोर ई बी सी के लिए ट्वेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स स्टेट रैंक टू हंड्रेड सेवेंटी एट BC के लिए 17874 स्टेट रैंक 449 AWS के लिए 17237 स्टेट रैंक 272 DQ के लिए 689017 और स्टेट रैंक 102 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कट ऑफ रैंक एंड मार्क्स मार्क्स तो छोड़ दो कट ऑफ रैंक देखते अनरिजर्वड के लिए 21375 स्टेट रैंक 15187 एससी के लिए वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टी टू स्टेट रैंक वन हंड्रेड नाइन्टी नाइन बी सी के लिए ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी सेवन स्टेट रैंक फाइव हंड्रेड नाइन्टी सिक्स गवर्नमेंट बी बी सी कट ऑफ रैंक और मार्क्स अनरिजर्व के लिए फिफ्टी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी एट रैंक थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी फाइव एस टी के लिए वन फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन स्टेट रैंक फिफ्टी सिक्स एस सी के लिए थर्टी थाउजेंड सॉरी वन लैख थर्टी एट थाउजेंड थर्टी वन और स्टेट रैंक टू फिफ्टी फाइव ई बी सी के लिए सेवेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी टू और स्टेट रैंक नाइन हंड्रेड थर्टी सेवन अब आ जाते हैं दूसरे दूसरे स्लाइड पे दूसरे स्लाइड पे आप लोग देखना ई बी सी तक हम लोगों ने खत्म किया बी सी के लिए देखते हैं बी बी सी का देख रहे हैं तो बी सी के लिए सेवेंटी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी नाइन ऑल इंडिया रैंक एंड स्टेट रैंक इज़ अराउंड फोर्टीन हंड्रेड एट सेवेंटी एट आर सी और स्टेट रैंक 988 हंड्रेड एट्टी एट ई डब्ल्यू एस ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक 901 हंड्रेड बोलोगे कि इधर आर क्यों नहीं है तो ये मोप राउंड में बता देता हूँ जो सीट बच जाती है उस पर काउंसलिंग होता है और आर आर सी जी का सीट बहुत कम होता है वो सारा का सारा फील हो जाता है फर्स्ट काउंसलिंग में प्राइवेट मेडिकल कट ऑफ देख लो सिंपली बता देता हूँ आपको इसे छोड़ो जो कट ऑफ होगा 2020 का 146 या 145 जो भी होगा उससे एक नंबर ऊपर इंक्रीज कर लो प्राइवेट के लिए काउंसलिंग करो मिल जाएगा आपको इतना ही है और कुछ नहीं बचता है ये देख लो क्लोजिंग रैंक आफ्टर सेकेंड मॉपअप पी डी एस काउंसलिंग तो नीट का ओपनिंग रैंक टू लैख थर्टी थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी सेवन से लेकर के नीट क्लोजिंग रैंक एकदम लास्ट ये प्राइवेट का ये गवर्नमेंट का नहीं है ये प्राइवेट के लिए तो ये छोड़ दो बस इस पर फोकस करना सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करना गवर्नमेंट डेंटल गवर्नमेंट आपका एम बी बी एस और गवर्नमेंट बी बी सी जिनको बी बी सी करना है। क्लियर है सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर आई होप आप लोगों को इससे हेल्प हुआ होगा और डिस्क्रिप्शन में जाना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करके अच्छे से अपना देख लेना और सारा लिंक दे दूंगा उसमें क्लोजिंग रैंक ओपनिंग रैंक बहुत कुछ मिलेगा आपको ये तो सिर्फ मार्क्स के साथ उन लोगों ने निकाला था और बहुत कॉलेज वाइज ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक निकाला है किस कॉलेज में कैसा क्लोजिंग जाएगा कैसा ओपनिंग रैंक जाता है वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ले लेना डाउनलोड करके देख लेना उस तरीक़ा से चॉइस फीलिंग आएगा तो चॉइस फील करना